से नई लॉन्जरी ब्रांड डिस्कवर की है कॉल्ड कैमिसन. Hello, my beautiful ladies out there. Hope you are doing great. My name is Katyayani and I'm back with a new video, a completely new video. तो आज की वीडियो में ना दो चीजें होने वाली हैं. एक तो अभी मैंने एक एकदम से नई लॉन्जरी ब्रांड डिस्कवर की है, मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ. एंड जो दूसरा है, मेरे एक हफ्ते पहले मैंने एक गिव अवे चलाया था, आज उसके रिजल्ट अनाउंस करने जा रही हूँ. तो वो वीडियो के एंड में, इस वजह से आप वीडियो एंड तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा. मैं आपको दो चीज़ें दिखाती हूँ, ठीक है? लुक एट दिस. What's this? Can you imagine? Oh my god! Itna zyada stretch. And this as well. ये है sports bra या फिर teenage bra जो हम लोग normally कहते हैं. This is a teenage bra with detachable straps. Can you see? ये मतलब I don't know कितने brands provide करते हैं या ये नहीं, but what एवर ब्रांड्स आई एम यूजिंग, उसमें से ये पहली ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुझे एक टीनेज या एक स्पोर्ट्स ब्रा में एक डिटैचेबल स्ट्रैप मिली है. एंड आई एम इन लव विद दिस. एंड देन दिस इज अ टी शर्ट ब्रा, इसमें भी डिटैचेबल स्ट्रैप है. मतलब पहले इसकी इलास्टिक देख लो यार, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके बारे में. इसमें भी है डिटैचेबल स्ट्रैप अलॉन्ग विथ वेट this along with a transparent strap. Can you imagine? क्या पता है, सबसे पहली चीज ना, मैं ऐसे ही स्क्रॉल करते जा रही थी एंड देन आई जस्ट फाउंड आउट अ न्यू एब्सोल्युटली न्यू लॉन्जरी ब्रांड कॉल्ड कैमिसन, जिसमें कि अफोर्डेबल, मतलब वॉट दे क्लेम, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था कि वो अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली, रैश मतलब स्किन फ्रेंडली एंड रैश फ्री वगैरह टाइप की फैब्रिक यूज़ करते हैं, इलास्टिक यूज़ करते हैं एंड काफ़ी बजट फ्रेंडली होती है उनकी लॉन्जरी, ठीक है? अब क्योंकि बजट फ्रेंडली थी तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं. ट्राई करने में क्या जा रहा है, मतलब इतनी सारी मैंने ब्रांड्स ट्राई की हैं, इतना सारा पैसा खर्च किया है तो उसमें थोड़ा सा और कर लेते हैं, हो सकता है करेक्ट साइज मिल जाए. खैर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, ठीक है? अब मतलब इतनी महंगी मैंने यूज़ की, उसमें जो है कुछ ऐसा एकदम वाव फैक्टर नहीं आया. दैट वन सिंगल लॉन्जरी मेरे को नहीं मिला, तो अब सस्ती थी यार तो कैसे, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. दो कॉम्बोज मंगाए थे जिसमें से एक था टीनेज या स्पोर्ट्स ब्रा का कॉम्बो, जिसमें मुझे मिला था एक वाइट कलर, एक ब्लैक कलर एंड स्किन कलर. एंड सेकेंड मंगाया था मैंने टी शर्ट ब्रा का कॉम्बो, जिसमें जो है दो आए थे, वन इन ब्लैक एंड सेकेंड इन सॉरी बर्गंडी. खैर वो कलर्स वगैरह तो अपनी पर्सनल चॉइस है, उनके पास बहुत सारे कलर्स हैं, आप उसमें से देख सकते हो आपको कौन सा चाहिए. द जो मुझे बताना है इज अबाउट द साइज, द फिटिंग, द क्वालिटी दे आर प्रोवाइडिंग. ओ माय गॉड, दैट इज सो 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 गुड. मतलब पता है, अभी भी मैंने वो पहन रखा है उसमें से, आई डोंट नो, मतलब ऐसे तो नहीं पता चलेगा, बट अभी मैं कुछ ऐसे साइड में क्लिप्स चला के भी दिखाऊंगी कि किसके किसके अंदर मैंने स्टाइल किया है वो सारी मतलब वो ब्रा. एंड इट गिव्स अ फिनिश या फिट ऑफ अ सीमलेस ब्रा. मतलब सीमलेस का देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी साइज वगैरह एकदम परफेक्ट है तो एवरी ब्रा बिकम सीमलेस. एंड अभी तक मुझे ऐसा कोई सीमलेस ब्रा नहीं मिला था मेरे लिए, अनटिल एंड लेस आई एम स्पेंडिंग रुपीज 1000s, 2000s or 3000s फॉर अ पर्टिकुलर एंड स्पेशली मेड सीमलेस ब्रा, ठीक है? दिस इज नॉट सीमलेस, ये नॉर्मल टी शर्ट ब्रा है. एंड वो जो द अदर वन विच आई शोड इन स्किन कलर इज अ नॉर्मल टीनेज या स्पोर्ट्स ब्रा, ठीक है? अब चलो इनका मतलब डिस्कस करते हैं इनकी साइज वगैरह का. साथ में ये चल रहा है उसको देखते जाओ, जो फैशन शो चल रहा है इनके बारे में डिस्कस करते हैं. पहला तो यार फैब्रिक जो इन्होंने यूज़ किया है, दिस व्हाट दे से इज कॉम्ब्ड कॉटन. अब देखो यार फैब्रिक वगैरह के बारे में मैंने रिसर्च तो नहीं किया कि मुझे पता हो कि ये क्या फैब्रिक है, कॉम्ब्ड कॉटन कितना अच्छा है कितना नहीं, बट वन थिंग आई नो दैट व्हाट फील्स सॉफ्ट ऑन स्किन, दैट व्हाट फील्स कंफर्टेबल ऑन योर स्किन इज बेस्ट. And this is what I got.
यार इतना ज़्यादा कंफर्टेबल, इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक था ना ये, मतलब इट फेल्ट लाइक योर ओन स्किन, योर सेकेंड स्किन, जो कि आपको सपोर्ट दे रहा है, आपका सपोर्ट सिस्टम बन रहा है, आपको और फ्लैटरिंग बना रहा है, आपके कर्व्स को, आपके बॉडी को एनहांस कर रहा है. इट वॉज लाइक दैट. एंड देन सेकेंड लेट्स टॉक अबाउट द इलास्टिक. इलास्टिक ना इन्होंने क्या क्लेम किया था, वो एक एंटी रैश फैब्रिक या एंटी एलर्जिक, विच इज लाइक फ्रेंडली इलास्टिक फॉर ऑल दोज गर्ल्स आउट देयर हु हैव सेंसिटिव स्किन. एंड ट्रस्ट मी, मैं इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली सेंसिटिव स्किन वाली हूँ ना, इतनी ज़्यादा तगड़ी सेंसिटिव स्किन, मतलब मुझे थोड़ा सा कहीं ऐसे खरोच भी लग जाते हैं ना तो वो एकदम पूरा रेड हो जाता है, एंड कभी कभी रैशेज वगैरह हो जाते हैं. एंड ब्रा स्ट्रैप्स के साथ मेरे साथ हमेशा होता है, मतलब इट्स लाइक दैट स्ट्रैप्स आर डिगिंग इन टू माई स्किन, लाइक जैसे उसमें कुछ कांटे वाटे लगे हुए हैं और चुभ रहे हैं मेरे अंदर, वो वैसा वाला फील आता है. एंड व्हेन आई वोर दिस, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगा यार, कुछ भी नहीं, चाहे तो यहाँ पे चाहे तो ये जो अंडरब्रस्ट एरिया होता है वहाँ पे, इट वॉज सो 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 कम्फर्टेबल. पहला तो इसका स्ट्रेच वगैरह भाई बहुत तगड़ा है, इसका स्ट्रेच वगैरह देखो, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ गया पहन के ना, मैं क्या ही बताऊँ. तो दैट वॉज सो गुड. देन सेकेंड, क्योंकि ये कॉम्बोज में अपने जो चीज़ें हैं कॉम्बोज में रखते हैं तो प्राइस बहुत अफोर्डेबल, लाइक मुझे 699 ऐसे प्राइसेस दिखे, एंड इट वॉज वेरी चीप, इट वॉज गुड. मतलब द प्राइस, द फैब्रिक, द स्ट्रेच एंड द क्वालिटी, द फिट दे आर प्रोवाइडिंग इज एक्सट्रीमली गुड. And suppose if you don't know your correct size, तो they also have made a video, a size measuring video, कि जिससे आप अपनी correct size जान सकते हो. खैर वो video वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो मैं नीचे description box में link कर दूँगी. If at all you don't know, you want to order and you don't know your correct size, आप वहाँ से check कर सकते हो. ठीक है, मैं इनका जितना भी है ना, जितने प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जितने प्रोडक्ट्स ये देते हैं, मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो. मैं बात कर रही थी क्या कि हाउ गुड इट इज़, हाउ अफोर्डेबल इट इज़. सबसे अच्छी बात इनकी क्या है, द प्राइस, द फिट, द फैब्रिक, द क्वालिटी, द कलर्स एंड द साइजेस. मतलब ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स हैं, मतलब साइजेस तो कहने को बहुत सारी हैं, कि हाँ आई थिंक 26 से शुरू होके पता नहीं कहाँ कहाँ तक चली जाती हैं, बट Is it really worth the price? क्या वो comfort दे पा रहे हैं? तो मतलब ऐसी बहुत कम brands मुझे मिली जो वो comfort दे रही हैं, और जिन्होंने दिया भी ना उनकी price 2,000-3,000 ऐसे prices थे. तो उसमें मुझे ये मिला एंड आई एम सो, पता है ऐसा प्राउड वाला फील हो रहा है, ओ माई गॉड आई डिस्कवर्ड अ ब्रांड जो कि इतनी सही है, इतनी तगड़ी, इतनी अफोर्डेबल है, वो ऐसा वाला फील आ रहा है मुझे. एंड देन इनके पास ना बहुत सारी साइजेस हैं, साइजेस के साथ साथ कप्स में ऑप्शंस बहुत सारे हैं. कप्स का क्या होता है, कप्स का मेन रोल इज इफ़ एट ऑल योर लाइक आप पूरे के पूरे पतले हो, योर अंडरवर्स एरिया एंड ऑल इज बहुत पतला एंड द चेस्ट एरिया इज अ बिट हेवी, तो उस केस में आप क्या करोगे, या तो अपनी मतलब अंडरवर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे या ओवर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, किसी एक के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. तो वहीं पर हमारी जो साइज़ है वो फिट नहीं आती है. तो ये इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, लाइक सीरियसली आई सॉ, मतलब जो इनकी वीडियो थी मैंने वो भी देखी, साथ में जो मैंने मंगाया मैंने वो भी देखा, एंड इनके जो साइज ऑप्शंस थे मैंने वो भी देखे. भाई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं, एक बार चेक करना, अगर आपको लेना होगा तो एक बार चेक करना, लाइक इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग द मनी ऑन देयर ब्रांड camson.in. इट्स रियली वर्थ. मतलब इनका पूरा नाम क्या है, कैमसन इंटरनेशनल लॉन्जरी ये इनका है. एंड भाई यार मैं क्या ही बोलूँ यार, एक बार आप खुद ट्राई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा दैट हाउ गुड इट इज़. एक बार मैं दिखा देती हूँ कि मुझे क्या क्या रिसीव हुआ था. ये है जो टीनेज ब्रा, वन कलर, सेकेंड कलर एंड दिस इज थर्ड कलर. तो नेक्स्ट है हमारी टी शर्ट वाली, टी शर्ट में वन इज ब्लैक एंड दिस सेकेंड वन इज ये बर्गंडी कलर. कलर्स वगैरह आपकी अपनी चॉइस है, बहुत सारे कलर्स ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. साइजेस आप अपनी देख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे वीडियो लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो. और क्या क्या इनके पास ऑप्शन हैं आप वो भी देख सकते हो, मैंने सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक चीज़ लिंक कर दी है, आप एक बार चेक कर लेना इफ़ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग
आई मीन दिस इज वर्थ स्पेंडिंग द मनी. मैं कह रही हूँ यार, सच में बहुत अच्छा है. आई एम समथिंग वेरी चूजी अबाउट माई इनर वेयर एंड दे हैव सेटिस्फाइड मी. मतलब बहुत बड़ी बात है यार. बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये. ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अब हम चलते हैं हमारे गिव अवे के रिजल्ट अनाउंसमेंट की तरफ. गिव अवे का रिजल्ट अनाउंसमेंट नाम इट्स द विनर इज स्वाति तिवारी. सो कंग्रेचुलेशन स्वाति. आप मेरे को प्लीज़ अपना एड्रेस एंड साथ में मतलब इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना. ठीक है, मैं आपको जो भी है, मैं जिस दिन भी पोस्ट करूँगी आपकी एड्रेस, मैं आपको बता दूँगी. जो मेरे पहले वाले विनर्स हैं ना, पहले वाले गिव अवे के, द फर्स्ट गिव अवे, सॉरी, वो एक्चुअली ना दो विनर्स हो गए थे, तो मुझे आई शेडो पैलेट ऑर्डर करना पड़ा. वो ऑर्डर करने में टाइम, मतलब जो मेरे पास रिसीव हुआ उसमें टाइम हो गया, तो इस वजह से ना अब मैं सेंड करूँगी. मतलब मैं तीनों एक साथ सेंड करूँगी, तो हो सकता है आप सबको साथ में मिले. ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और कुछ आपको नया जानने को मिला हो, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो. और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर दिया है वो प्लीज़ हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड आप तुरंत के तुरंत वीडियो देखो. एंड वन मोर थिंग, देयर वेर अ फ्यू रीजंस जिसकी वजह से मैंने जो मेरी शॉर्ट वीडियोस थी, आई मीन जो शॉर्ट्स थे, वो मैंने प्राइवेट कर दिए थे. अभी मैंने वापस से पब्लिक किया है, तो प्लीज़ गाइस वो भी जाके ज़रूर देखना. यू विल गेट सम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सम मेकअप, फैशन या स्किन केयर हैक्स इन दैट टू. ठीक है, या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं.